बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन का अमिताभ बच्चन की जिंदगी पर चौंकाने वाला खुलासा। विद्या बालन फिल्म इंडस्ट्री की बेस्ट एक्ट्रेसेस में से एक है। उन्होंने तमाम फिल्मों में अलग अलग तरह के किरदार निभाए जिन्हें फैंस ने खूब पसंद किया। साल 2009 में आई फिल्म पा में उन्होंने अपने से दोगुनी उम्र के अमिताभ बच्चन की माँ का किरदार निभाया। हालांकि वो इस रोल को नहीं करना चाहती थी। एक इंटरव्यू में विद्या बालन ने बताया कि कैसे वो इस किरदार को निभाने के लिए राजी हुई। इंटरव्यू में विद्या बालन ने बताया कि पहले वो फिल्म करने के लिए राजी नहीं हुई, लेकिन बाद में उन्होंने अपने करीबी लोगों को स्क्रिप्ट भेजी और फिर फैसला लिया। पा फिल्म और आर बाल्की के डायरेक्शन में बनी थी, जिसमें अभिषेक बच्चन भी लीड एक्टर के तौर पर थे। विद्या बालन ने बताया कि उन्होंने अपने दोस्तों को स्क्रिप्ट भेजी और फिर उनकी राय पूछी। विद्या बालन ने कहा कि मैंने उस फिल्म के लिए हाँ कहने में बहुत देर की, क्योंकि जब बाल्की मेरे पास आए तो सबसे पहले मैंने सोचा ये कैसी कहानी है, ये पागल है और वो अमिताभ बच्चन की माँ का किरदार निभाने के लिए उनके पास क्यों आए हैं। वो ही एक ऐसी स्क्रिप्ट थी जिसे मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर किया था। शुरुआत में मैं काफी ज्यादा शॉक्ड थी, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये एक बेहतरीन स्क्रिप्ट है। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।